प्रभु शाह जी रउआ के नु जो लागत हुई नु कि किरण शाह तो तू तेली है नु तो हमू तेली है तो तू केकरा से पंगा लेल बते वो तेली से तो तू खुद उहे वाला हुए हमु बानी हमु कोनो दोसर नाही तोरे कास्ट है तो तोरा के अच्छा से व्यवस्था लगाए काहे कि तू ही मिला के बहुत बेर कर चुकल बारा बोला कि बेइज्जती करी है गलत बात है नुई तुला बोले भी मत करा ना काहे बोले बा उतना देर बैठनी है अब होता उ होता अभी होता रे एक मतलब कहा बेइज्जती करेगे कि हमारा साथी केहू बाटे हमर केहू क्लोज बा तो ओकरा के बार 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 हम प्रमोट करत आनी बार 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 बोलावत आनी एक एक लड़की के काम करवावत आनी तो तू दूसरे के मत बोलावे एक एक लड़की के बुला के रखा और एक पुराने का बोला हमेशा अपना पास रखा तोरा और ज्यादा तोरा बारे में तारीफ करी तो तू और ज्यादा फेमस होबा तोरा ज्यादा वोट मिली ई ओकरा चाहिए करती और बहुत सारा लड़की लगा जेकरा के केहू चिन्हत नहीं के जानत नहीं के उ लड़की वहां पे डांस के लग हटे जिनके कोनो अस्तित्व नहीं के पर कोनो बात नहीं फिर हमरा की बेइज्जती क्यों का वजह बटे क्या चाहत रहन कि कुछ ऐसा होखो किरण हमरा के कुछ कहो तब हम किरण के सपोर्ट करें तो जरूरी नहीं कि हमरा चाहबो ना करी उनकर सपोर्ट रउआ सब आनी ना हम सपोर्ट करे खातिर इतना दिन से हम जोन कुछ भी पानी हमरा के एक आदमी जानो चाहे दू आदमी किकरा वजह से रउआ लोग के वजह से तो रउआ लोग ही हमारे सब कुछ पानी ई उषा हटे ई फलनवा हटे फलनवा स्टार हटे ई चिलनवा हटे उ सबके कोनो जरूरी नहीं के उ कोनो हटे वो अपना जगह पे बा पर यहाँ पे के बा तो रउआ सब बानी खुद प्रभु शाह ने मुझे कॉल किया खुद विजय ने फोन किया विजय का फोन से भी मैं नहीं गई हूँ ये साल प्रभु शाह की वजह से गई और फिर भी उन्होंने ऐसा किया मतलब कुछ भी कैसे कैसे लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं बोलता है उसको जानबूझ के लोग नीचा दिखाते हैं कि ऐसा आए ये मेरे से कुछ बोले चाहे मेरा कुछ करे तब हम इसको कुछ करेंगे। सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं कि तुम्हारे पास आएगी तुमसे बतियाएगी तुम्हारे से मीठे मीठे बातें करेगी तो तुम कुछ करोगे करना है करो नहीं तो भाड़ में जाओ कोई बोल भी नहीं रहा है तुम्हें करने के लिए मत करो तुम्हें लगता है कि मुझे इसे काम कराना चाहिए तो ओके नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मुझे जब करना होगा हम खुद कर लेंगे इतना दिन से कर रहे हैं ना नहीं होगा नहीं होगा मर थोड़ भी ना जाएंगे ये थोड़ी ना कि इसने उसने ये किया उसने ये कर लिया तो इसने मेरा इंसल्ट कर दिया तो इसने मेरा बेइज्जती कर दिया तो मैं मर जाऊंगी बिल्कुल नहीं मैं जैसी हूं वैसे ही रहूंगी और कभी किसी के साथ कुछ करने वाली भी नहीं हूं है ना लोगों का सोच रहता है अरे लड़की है खूबसूरत है ऐसी है वैसी है तो चलो इसके साथ कुछ करते हैं बतियाते हैं ऐसा है वैसा है तो सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं ये वो लोगों का सोच है और लोगों का सोच जो है ना एक ही लड़की को 50 बार ले जाए 50 बार ये करवाए उसको स्टेज पर चढ़वा दिए 3-4 बार उसी को बुलाए उसी को प्रमोट करते रहे एक के साथ नचवाते रहे क्योंकि उन लोग के साथ संबंध जो रहता है ना तो फिर उन्हीं लोग के साथ संबंध बना के उन्हीं लोग को रखे दूसरे आदमी को बुलाना ही नहीं चाहिए कोई जरूरी नहीं है बुलाने का मत बुलाए कौन जा रहा है ना हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पता नहीं कौन से मंत्री प्रभु शाह जी जिनका कोई औकात ही नहीं है काहे का भी प्रभु शाह काहे का ये या काहे का वो जो इंसान किसी का इज्जत नहीं कर सके मान सम्मान नहीं कर सके वो कुछ कहलाने के लायक ही नहीं है। जितना मैंने उनका सपोर्ट किया मैं उससे ज्यादा उनका विरोध करूंगी। उनने मेरा ही साथ नहीं वहां पे बहुत सारी लड़की लोग थी सबके साथ बेइज्जती किया वहां पे बाहर बाहर से भी लड़की लोग आई थी। चाहे हमारे नेपाल में कमी है आदमियों का काम कराना चाहे तो बस एक ही लड़की है जो कर सकती है बाकी क्या मुंह देखने के लिए गई है वहां पे एक ही नहीं है कि वो है। आज की दुनिया में क्या है ना जिसका थोड़ा नाम है अच्छा है क्या नाम है बे काहे का नाम है क्या तू भी काम कर रही है मैं भी काम कर रही हूं तू थोड़ा ज्यादा कर रही है मैं थोड़ा कम कर रही हूं पर सेम ही है ना अगर बोला जाए घटिया थर्ड क्लास में तो तू भी नाच रही है हम भी नाच रहे हैं चाहे तू स्टेज पे नाच चाहे कहीं और नाच सेम ही है ना तो फिर वो अच्छी और हम बुरे क्यों सेम है तो सेम है पर पता नहीं ये स्टार है वो छोटी है वो बड़ी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है
वो मेरी ये है तो बस उसको कर, तो अपनी गर्लफ्रेंड के लेके रहे, कौन बोला है किसी और को बुलाने के लिए, जरूरी भी नहीं है कि बाहर के तू कलाकार को बोला। साफ ना आज ना मेरा ना इतना माथा हैंग हुआ है ना कि मन तो कर रहा था कि मर्डर कर दे, पर ना मैंने कुछ उस वक्त बोला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं तो इतना अच्छा से उनका बैंड बजाती ना स्टेज पे कि वो आज जाने जाते कि किससे पला पड़ा है उनका, बहुत बार हो चुका है। नहीं लोगों क्या मिलता है किसी का बेइज्जती करके, खुद से बुलाओ और खुद से उसका इंसल्ट करो, ऐसे ऐसे चूतिया लोग पैदा कैसे हो जाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि उसके घर में कोई होगा तो वो भी कुछ बोलेगा, जो देख रहा है वो भी कुछ बोलेगा। ये है रवि शाह, अरे हाँ आपको ही हम खोज रहे थे, आप भी थे ना वहां पे मौलापुर में प्रभु शाह के कार्यक्रम में, आप भी थे ना। ये मेरे से आके पूछ रहे हैं कब है आपका परफॉर्म, नहीं हुआ क्या, ये भी बताइए, लोग तो पूछ ही रहे थे। मुझे कितना मतलब इतना इंसल्ट हो रहा था मेरा, कितना मुझे लग रहा था कि अंदर यार मैं क्यों आई हूं यहाँ पे और क्या है ये, बुला के किसी का बेइज्जती कर देना, मत ही बुलाओ, कौन जा रहा है, तो फिर प्रभु शाह को बुलाना ही नहीं चाहिए, बेइज्जती क्यों किया बुला के, अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब हो जाएगा, भाई कब होगा कब। मैंने बहुत सहा, बहुत दिनों से ये लोगों को मैं जानती हूं और मैंने बहुत दिन देखा, पर अब नहीं, इतना नहीं, इतना सा भी नहीं सहने वाली हूं मैं। तूने बेइज्जती किया, बुलाया तो तुझे मान सम्मान तो बेटा बनता है देना, मतलब मत ही बोला, क्यों बुलाएगा तू। अगर हम किसी को बोले हैं कि हम नहीं जानते तो उनको कितना बुरा लगेगा। यहीं पे है बहुत सारे हमारे नेपाल में कलाकार लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है लोग, पर सपोर्ट किनका करते हैं, जिनसे उन लोग का कोई संबंध हो, चाहे कोई लड़की हो उन लोग के साथ रसलीला करे तो उन लोग का ठीक है, और जो लड़की अच्छी हो अपना काम करना चाहती हो तो उसको इतना सा नहीं करेंगे, इतना सा करके चलो इतना करेगी तो करते करते इतना करेगी, नहीं, जो कर रही है उसी को करवाया जाए, जो नहीं कर रही है उसको छोड़ दो बाहर में जाए, उसी जैसे बहुत आएगी, ऐसा वाला सोच है। बाहर से आदमी आ सकते हैं, हम लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं, पर हमारा ही घर में खुद से काम हो तो लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि उन लोगों को कोई होना चाहिए जो लोग का शौक पूरा करे तो वो लोग काम कराएंगे। मेरे अंदर ना इतना भड़ास भरा है ना कि मन तो करता है ना कि साफ ना किसी ऐसे करके सीधे एक बार नोकोट के चिबा जाए। मैंने बहुत दिन कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं, पर अभी थोड़ा नहीं सहूंगी, थोड़ा सा भी नहीं, उतना देर मैंने वहां पे टाइम बिताई रही थी, जितना टाइम मैंने वहां पे बिताया फालतू में उतना देर में और बहुत कुछ करती ना, तो जाके करो ना प्रीति का सपोर्ट, मना कौन कर रहा है, मना किया किसी ने, मैंने प्रीति का नाम लिया कि आपने नाम लिया उसका, क्यों लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बस प्रभु शाह के बारे में बोल रही हूँ, यहाँ पे किसी और का नाम लेने का कोई जरूरी भी नहीं है। और प्रीति कौन है, क्या है प्रीति, वो अपनी जगह पे जो भी है वो है, यहाँ पे उसका नाम नहीं लिया मैंने, ना उसका नाम लेना चाहती हूँ मैं, ठीक है, तो हमारी बातें हो रही है तो हमारे तक ही सीमित रखिए, जरूरी नहीं है कि उसका आदमी हो तो यहाँ पे कुछ भी आके बोलो, ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ कहने नहीं, बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है तो बस मैं अपने दोस्तों से और अपने फैमिली से शेयर कर रही हूँ, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है विवादित आदमी का। और मुझे प्रभु शाह से अपने सवालों का जवाब वो भी सबके सामने चाहिए, फोन पे तो बिल्कुल नहीं, और विजय यादव से क्या प्रॉब्लम है, इतना बेइज्जती क्यों, क्यों, वक्त आता है ना लोग गलत बना देते हैं, कोई कोई चूतिया इंसान ऐसा होता है ना कि अच्छे खासे इंसान को भी बुरा बना देते हैं। बताइए मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी किसी के बारे में, आज वक्त ही ऐसा है ना कि मुझे बुरा लगा, चाहे मेरी आंख में हंसू है चाहे मुझे बोलना पड़ रहा है, क्या बोलूं विजय यादव के बारे में, ई कि बुला के बैठा देता है और
जो उसका खास आदमी उसको बार 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 स्टेज में भेजेगा, और बाकी आदमी को बुला के चुटिया है लोग, बेइज्जती करने के लिए बुला के बैठाना जरूरी है, मत ही बुलाओ, क्यों किसी का बेइज्जती करोगे? उस वक्त ये नहीं लगता है? मैंने उनसे पूछा कब है, 4 गाने के बाद, 5 गाने के बाद, कुछ देर के बाद, करते करते शाम हो गया, फिर मैं वहां से निकल गई। क्या सारा लोग चला गया, आधा लोग बचा हुआ, तो फिर क्या करती?